दोस्तों, क्या आपको पता है सलमान खान जो है अपने हेयर लाइन पे आए दिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते रहते हैं। मतलब मींस बहुत बार उन्होंने अपने हेयर लाइन को चेंज करवाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्ली 2000 में इनकी हेयर लाइन जो है सॉफ्ट हो चुकी थी, सामने से बाल काफ़ी हद तक झड़ना चालू हो चुका था। इवन आप अगर देखें तो मूवी तेरे नाम में जो है इन्होंने पैच पहना हुआ था, उसी के साथ साथ मूवी तेरे नाम में पैच में बीच में एक आध जगह पर आप देख सकते हैं ये वाला सीन जो है जिसमें असली बाल इनके दिखा दिए गए थे, ये असली बाल थे इनके। उसी के साथ साथ मुझसे शादी करो के दौरान जो है ये भी पैच पहने हुए थे, बहुत अच्छे बाउंसी हेयर जो दिखते वो एक्चुअल में पैच थे, वो कहीं से भी दूर दूर तक भी असली बाल नहीं थे। उसमें भी बीच में एक दो सीन में आपको इनके असली बाल जो हैं उनकी झलक मिल जाती है। आप जरा खुद देख लो कि पैच में जो है सामने से पूरे बाल घने थे और असली बालों में जो है सामने पूरा रिसीडिंग हेयर लाइन था। तो खैर, इनका हेयर लाइन क्यों ये बार बार चेंज करवाते थे आप देख सकते हैं। बेसिकली जो है बड़े ग्रेड में जो है हेयर लाइन को ज़्यादा नीचे ना कराना ये समझदारी का काम इसलिए होता है क्योंकि आप थोड़ा सा ऊँचा हेयर लाइन रखो ताकि पीछे का एरिया ज़्यादा कवर हो सके। गंजापन ढाकना फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, वही कॉन्सेप्ट जो सलमान खान ने जो है अपने ऊपर लागू किया था। अब देख सकते हैं कितना अच्छा इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, बहुत ही शानदार इनका हेयर लाइन बनाया गया था और पीछे जो है बाल अच्छे लगे हुए थे। लेकिन आप देख सकते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन आपको दिख रही होगी इस वाले पिक्स में, और ये उस टाइम का है जब इन्होंने जो है बहुत अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट इनका बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर उन्होंने उसके बाद हेयर लाइन को और चेंज करके और अग्रेसिव और सामने लाना शुरू कर दिया। कई सारे हेयर लाइन जो है इन्होंने जो बनवाई है आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नकली लग रहा था, बिल्कुल नकली, सामने से पता चल रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया हुआ है। तो इस टाइप के केसेस में भी वो वापस से उसको चेंज करवाते रहते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि उनके यू नो हेयर लाइन के सामने जो है स्कार्स दिखना चालू हो चुका है। तो यही रीज़न है कि इनकी हेयरलाइन में थोड़ा बहुत आपको स्कार दिखेगा, हालांकि वो मेकअप के दौरान जो है उस चीज़ को ढांक लेते हैं लेकिन कभी कभी वो चीज़ विजिबल होता है।